हेलो एवरी वन हम इतरा फ्राम इको विजनयर टूडे वील अंडरस्टैंड हाउ टू इजिली सॉल्व एसर्सन रीजन क्वेश्चन एज यू ऑल नो दैट सी बी एस सी इन इट सैम्पल लेटेस्ट सैम्पल पेपर हैव गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए आर दिस टाइम ये दो मार्क्स के आए हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बट दिस कैन ऑल्सो कम इन मैक्रो ये मैक्रो में भी आ सकते हैं तो आज हम जानेंगे कि कैसे बहुत ईजिल हम ये असर्शन रीजन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा भी अपने अपने चैप्टर्स या टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो तो तो पहले हम जानते हैं व्हाट आर फर्स्ट वील नो व्हाट आर दीज एसर्सन एंड रीजन क्वेश्चन एंड वट इज द मीनिंग ऑफ एसर्शन एंड वट इज द मीनिंग ऑफ रीजन तो एसर्शन जब आती है पहली आपको पेपर में दो स्टेटमेंट आती हैं एसर्शन एंड रीजन तो जो एसर्सन स्टेटमेंट आती है वो एक फोर्सफुल कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट होती है फैक्ट्स के बारे में और बिलीफ के बारे में इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स बट इट्स अ फोर्सफुल स्टेटमेंट उसी के नीचे आपको आर करके रीजन स्टेटमेंट आती है जो एक्चुअली एक कॉज या एक्सप्लेनेशन होती है अब ये ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन हो भी सकती है और ये ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं भी हो सकती है इट्स एन एक्सप्लेनेशन इट्स अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग समथिंग बट इनका ए आर का आपस में कुछ रिलेशन होता है और कुछ रिलेशन नहीं होता है तो वो हमें फोर ऑप्शन से बताना है कि उसका रिलेशन होता है कि नहीं होता है तो वट फोर ऑप्शन डू वी गेट आफ्टर रीडिंग दीज टू स्टेटमेंट हमारे को इन चारों में से एक ऑप्शन टिक करनी पड़ती है तो ये चार ऑप्शन होती क्या है द फर्स्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन दीज टू स्टेटमेंट जो आपने ऊपर पढ़ी हैं इज बोथ एंड रीजन वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आएगा तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सेकेंड ऑप्शन होती है बोथ आर ट्रू अगेन बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों स्टेटमेंट सच हो सकती हैं दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट टू डिफरेंट अच्छा, अब दोनों ट्रू हैं। अच्छा बच्चे ने कर लिया कि दोनों ट्रू हैं। तो फिर तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इफ आर इज फॉल्स की दोनों ऑप्शन तो uh, दोनों स्टेटमेंट में आपकी पहली दो ऑप्शन कैंसिल हो जाती हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका है लॉजिक बड़ा सिंपल सा है अगर हम दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं अभी उसके मीनिंग में नहीं जाएंगे अगर हम उन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और वो दोनों स्टेटमेंट बोध दो दो स्टेटमेंट सीम टू तो बी ट्रू सो लास्ट टू ऑप्शंस आर गॉन सो नाउ यू हैव टू टू फ्रॉम ऑप्शंस एक कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या कॉज है या सेकेंड दोनों ट्रू तो है पर सेकेंड वाली स्टेटमेंट पहले वाले का कॉज या एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बड़ा सिंपल सा हो गया इफ यू रीड दी स्टेटमेंट वेरी द ए एंड आर तो हमारी ऑप्शन सिर्फ दो ऑप्शन बेस्ड ऑन दिसको चारों ऑप्शन के क्वेश्चन कराऊंगा आज सो दैट हेल्पफुल टू यू आते हैं पहले एग्जाम्पल पे तो वही सेम क्वेश्चन में आएगा सो स्टूडेंट्स यू कैन रीड एसर्स इज अ कॉन्फिडेंट इन फैक्टुअल स्टेटमेंट इन रूरल एरिया बिल्कुल सही है रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू रेगुलर सैलरी क्योंकि लोग अपनी फार्म में काम करते हैं तो ए तो ट्रू है हमारा आर मेजोरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरिया डिपेंड ऑन फार्मिंग ओन प्लॉट ऑफ लैंड बिल्कुल ठीक तो मेरी एक दोनों चीजें ट्रू हैं तो मेरी ये दो ऑप्शन तो खत्म हो जाती हैं क्योंकि तो मेरी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं अब हम ध्यान से पढ़ते हैं क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नीचे है hmm. बिल्कुल है जब ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं कहां पे रूरल एरियाज में वो किस लिए हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी फार्म पे काम कर रहे होते हैं hmm. बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन है एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट की इन आर सो हमारी पहली ऑप्शन आती है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो वेरी इजी टू सॉल्व आते हैं सिमिलर एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल नंबर टू मैक्रो से रिलेटेड है ये येटमेंट कहती है इन्फ्लेशनरी गैप इज कॉज बाय एक्सेस डिमांड जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो इन्फ्लेशनरी गैप आता है आई दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन प्राइस लेवल दिस इज ऑल्सो ट्रू अगेन ये दोनों ऑप्शन हमारी खत्म हो जाती हैं हमें इन दोनों में से चूज करना है सो so, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं अगर पहली ट्रू है और सेकंड एक्सेस डिमांड लीड्स टू तो प्राइस लेवल्स यस इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है महंगाई बढ़ना प्राइस लेवल्स का ऊपर जाना सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इस बार भी हमारी ऑप्शन रहेगी तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो गया कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर थ्री इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज शेयर ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफ कोर्स सरकार को बहुत सारा पैसा कहां से मिलता है सरकार को बहुत सारा पैसा

वो हम देखते हैं पर मुझे लगता है कि वो दोनों रिलेटेड तो नहीं है आपस में लेट अस सी इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट लार्ज शेयर ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ट्रू आर टैक्सेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बोथ आर ट्रू बट श्योरली आर इज दिस इज इज आर आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो यहां पर हमारी ऑप्शन बी इज द करेक्ट यहां भी आपको सिर्फ दो ऑप्शन ही शॉर्टलिस्ट करके उसे करना पड़ा सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर फोर एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया आई थिंक इट इज करेक्ट मेजर फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेक पर श्योरली सेकेंड वाली स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है तो अगेन द आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो यू अंडरस्टूड कैसे हमें इसको ईजी कर लेना है पहले हमें देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है इसके लिए आपको अपनी सब्जेक्ट की अपने चैप्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट ये कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय कमर्शियल बैंक बैंक कंट्रोल क्रेडिट आई कैन इजिली सी दैट माई फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड माई सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स तो वहां पे मुझे कुछ और देखना ही नहीं है मेरी तीन ऑप्शन खत्म हो जाती हैं और मेरी एक ऑप्शन रह जाती है व्हिच इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तो ये और इजी हो जाता है जैसे ही फॉल्स स्टेटमेंट आती है कोई तो हमारा क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में के बीच में रह जाता है तो क्योंकि यहां पे आर अनट्रू है और ए ट्रू है इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर 3 को मार्क किया सिमिलरली एग्जांपल नंबर 6 से क्वेश्चन है नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल इंक्रीज तो मेरी पहली स्टेटमेंट रू है सेकंड स्टेटमेंट कहती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर प्लैंड बाई सेम इंडिविजुअल

कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है इंडिया इज नॉट यूएस इंडिया एक मिक्सड इकोनॉमी है तो ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन रॉन्ग हो गया तो मेरी एसर्शन रॉन्ग है अगर असर्शन रॉन्ग है तो मेरा आर ट्रू होगा मेरे पास ऑप्शन ही कोई और नहीं है इंडियन गवर्नमेंट रिकोगनाइज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेक्ट स्टेटमेंट अगेन इट कम्स टू ओनली वन आंसर दैट इज आंसर नंबर फोर तो मैंने आपको सारे दो दो तरह के एग्जाम्पल्स दे दिए आई होप यू प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व ए आर क्वेश्चन और अगर आपको ऐसे भी यू वॉन्ट मोर क्वेश्चन लाइक दैट फॉर मोर सच क्वेश्चन टू आर विजनर के स्टडीज एंड ए आर बुक यू ऑल नो के स्टडीज एंड ए आर क्वेश्चन दिस ईयर टू योर सिलेबस एंड आई एम श्योर दिस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो तो ये करता रहेगा इफ यू वॉन्ट टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम आर कंपनी यू कैन कॉन्टेक्ट द गि नंबर नाइन नाइन फाइव थ्री सिक्स एट टू एट सिक्स जीरो और यू कैन ऑल्सो ऑफकोर्स ऑर्डर इट फ्रॉम एमेजॉन थैंक यू टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स